नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है। अब मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में वही दोबारा से परचम लहरा पाएगी, वही जीत दोहरा पाएगी जिस तरह से पिछले 2 से 3 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिखाती हुई नजर आई है, और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में खुद को मान रही है दिल्ली की राजनीति को लेकर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंसूबों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पानी फेरती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जेल से ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर जो मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं उनकी जगह यहाँ पर आतिशी को ध्वजारोहण करने का मौका दिया जाए, तो अब स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं ये संकेत आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं कि आतिशी सीएम की दावेदार हो सकती हैं, सीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पेच पछतावा नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी पार्टी में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, एक मजबूत नेता है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआती दौर से खड़े रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आतिशी और मनीष सिसोदिया में से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जेल से ऐलान कर देना कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मौका आतिशी मरेना को दिया जाए, लेकिन देखा जाए तो अब मनीष सिसोदिया की आज जमानत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, तो क्या लगता है कि दोनों के बीच यहाँ पर सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा, सीएम पद का दावेदार कौन होगा, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आएगी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा मनीष, क्योंकि अभी 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 केजरीवाल ने ये जिम्मेदारी ध्वजारोहण की जो है वो आतिशी को सौंपी थी। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया अचानक से अगर बाहर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे वो जिम्मेदारी, वो पद छीन लिया जाएगा, लेकिन मनीष सिसोदिया इतने दिन बाद जेल से बाहर आए हैं तो शायद केजरीवाल ये बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आए कि आतिशी नहीं करके बल्कि मनीष सिसोदिया करेंगे। वहीं जो सीएम पद की भी एक बात और कवायद निकल कर आ रही थी कि आतिशी को बनाया जा सकता है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनको पता है किस तरीके की गतिविधि हो सकती है, क्योंकि अब उनको अनुभव है और कहाँ बच के चलना है, कहाँ किस तरीके से संभल कर चलना है वो उनको अच्छी तरीके से मालूम चल गया है, क्योंकि जेल में रहकर जो रातें उन्होंने बिताई है कहीं ना कहीं इस बात का एक्सपीरियंस उनको हो गया। वहीं आतिशी मारलेना की अगर बात किया जाए, आतिशी नो डाउट अच्छी एक नेत्री हैं और 18 विभाग की जिम्मेदारी आतिशी के कंधों पर है, लेकिन उससे ये नहीं साबित हो जाता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल उनको सीएम पद नहीं सौंपेंगे। हो सकता है उनको सीएम बनाकर और फिर मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और फिर जब केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो आतिशी से वो पद लेकर फिर से केजरीवाल सीएम बन सकते हैं। हालांकि ये तो बात की बात हो गई। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए ये विधानसभा चुनाव को साधना। अगर नहीं साध पाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पंजाब में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आई आम आदमी पार्टी, केवल 3 सीटें मिलती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी ताल ठोकने का प्रयास कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल लगातार गारंटी जनता को देती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बार के जितने भी विधानसभा चुनाव है केजरीवाल उन पर अपना कब्जा जमाए और जीत दर्ज करे, और सीएम पद में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है केजरीवाल के। ऐसे में केजरीवाल अगर 6 महीने में ये सारी स्ट्रेटजी बना लेते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को साधने की, तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन वाली जो कहानी फिर से दिल्ली में दोहराई जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने चंपाई सोरेन को जिम्मेदारी सौंप दी और जब जेल से बाहर आए तुरंत वो जिम्मेदारी ले ली। आतिशी भी एक बेहतर विकल्प हो सकती है कुछ समय के लिए, कि केजरीवाल जब तक नहीं रहते हैं तब तक वो कहीं ना कहीं पद संभाल सकती है, क्योंकि आपने देखा कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि सुनीता केजरीवाल किसी भी तरीके के राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये काम उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल एकमात्र विकल्प है अभी के लिए, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आतिशी मार लेना हो सकती है। और वहीं संजय सिंह की नाराजगी की भी खबरें निकल कर सामने आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक समझौता है कौन किस पद पर रहेगा, कितने काम करेगा, और कैपेबिलिटी के हिसाब से आम आदमी पार्टी में सबको वो विभाग वो पद कहीं ना कहीं केजरीवाल ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ऐसे में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए कुछ, तो विधानसभा चुनाव पर फोकस करना और
जीत दर्ज करना। जी बिल्कुल, तब विधानसभा चुनाव पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया बाहर हैं तो कम से कम आधी राहत तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और बाकी की बची आधी राहत शायद जब मिल सके जब अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर सुनवाई होगी और आम आदमी पार्टी के हित में यहाँ पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए यहाँ पर माही तो दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निर्णायक भूमिका में नजर आती है, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि पिछले बार के लोकसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाता है, तो क्या लगता है कि उस कब्जे के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में पछाड़ दे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आए? जी देखिए, ये कहना मनीष मुश्किल होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो इतने सालों से जद्दोजहद कर रही है, इसके पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, फिर अरविंद केजरीवाल ने 3 बार से कब्जा कर लिया, अब इतना आसान नहीं है दिल्ली पर कब्जा जमा पाना और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बार जो मनीष सिसोदिया को जीत मिली है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जीत फिर से दर्ज करेगी, क्योंकि आप दिल्ली की जनता का आप एक बार मनोदशा समझने की कोशिश अगर की जाए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमेशा से अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वही विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इतना बेकार प्रदर्शन कभी भी किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। और इस बार केजरीवाल के पास एक वजह है, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट भी वो गेन कर सकते हैं, और मनीष सिसोदिया के चुनाव से पहले जमानत मिल जाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और आम आदमी पार्टी जो ये बात कहते हुए नजर आई कि एक पैसा नहीं मिला घर से और किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेने की बिल्कुल बारे में सोच नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं जनता को भी बहुत चीजें क्लियर होती हुई नजर आ सकती है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब बेगुनाह है, उनको जानबूझकर जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष ये भी इसलिए निकल कर आता है कि मामला केवल 100 करोड़ का है और 40 करोड़ का मामला पूरा जिसमें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल कर आया, लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें कितने बड़े बड़े नेता हैं, अशोक चौहान जैसे नेता हैं, अजीत पवार जैसे नेता हैं, छगन भुजबल जिनका नाम आया था, जो सबसे ज्यादा करप्शन में शामिल है, सबसे ज्यादा करप्शन के केस उनके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी खुद स्टेज से चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए नजर आई थी कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, उसके बाद वही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी कवायद पर अगर नजर डाला जाए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर देखा जाए तो इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जो बात कह रही थी उस बात में तो सच्चाई है। और ये भी बात निकल कर आती है कि इसका दूसरा बिंदु अगर देखा जाए कि अगर सबूत नहीं होते तो इतने दिनों तक सुप्रीम कोर्ट उनको जेल में नहीं रखता, 17 महीने हो गए वहां पर मनीष सिसोदिया को जेल में रहते हुए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जब यहां पर केजरीवाल जमानत मिल जाती है अंतरिम जमानत, लेकिन फिर भी जेल से बाहर नहीं आते, और फिर कोर्ट ये कहता हुआ नजर आता है कि केजरीवाल को बाहर रखना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ जो सबूत है वो बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जिसके बाद ये समझ आता है कि मेन सूत्रधार जो है अरविंद केजरीवाल हैं, या मनीष सिसोदिया के केस में भी ऐसी चीजें आई थी। तो आप देखिए कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक तरफ ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, कहीं ना कहीं जनता इस बात से कंफ्यूज है, और इसी कंफ्यूजन की स्थिति जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बाकी है महज अब, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया की यहाँ पर जमानत हो जाती है और आम आदमी पार्टी अब ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएं, और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर रिहाई मिल जाती है तो बेशक आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।